हेलो गाइस, दिस इज नकीब शिंगारी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे शेड वाले फ़ोन के बारे में। बहुत सारे जो है कस्टमर्स ऐसे होते हैं, हमसे पूछते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं कि शेड वाले फ़ोन के बारे में भी हमें कुछ बताए, हमें कुछ गाइडनेस दे। तो गाइस, आज की वीडियो बेसिकली बनी है शेड वाले फ़ोन के बारे में। और हम आज आपको बताएंगे कि कोई भी मोबाइल लेने से पहले अगर आपको नहीं पता कि शेड क्या होता है, तो मैं आपको पूरा स्टेप्स बताऊंगा। इस पूरी स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले ये समझ लें शेड किस मोबाइल में आता है। गाइस, शेड जो होता है ये सुपर एमोलेड स्क्रीन जो होता है, इसमें जो है 190% चांस होता है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिस फोन का होता है उसमें शेड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वक्त जो है मैं आपको कैटेगरी बता दूंगा कि यार किस किस फ़ोन में जो है, आपको प्रिकॉशंस बता दूंगा कि यार इस फ़ोन में जो है आप ज़रूर चेक कीजिएगा। वैसे तो हर स्मार्टफोन में जो है शेड का जो है नहीं आता, लेकिन कुछ टॉप के ऐसे फ़ोन्स हैं ना, इसमें आपको ज़रूर चेक करना होगा। अगर वो किट वाला फ़ोन है तो आपको ज़रूर चेक करना होगा कि यार इसमें शेड तो नहीं है। गाइस, सबसे पहले आप ये समझ लें कि शेड होता क्या है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जैसे सैमसंग हो गया, इसके अलावा वन प्लस हो गया, गूगल पिक्सल, ये जितने भी मोबाइल लॉन्च होते हैं, इसमें अगर किसी फ़ोन में शेड आ जाए, जैसे ऑरेंज कलर का शेड होता है, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, ऑरेंज कलर का शेड होता है या रेड कलर का शेड होता है, बस किसी में होता है एक ज़्यादा शेड होता है, किसी में माइनर शेड होता है, किसी में एक पट्टी टाइप की बनी होती है, इस तरह का शेप होता है, लेकिन हर एंगल का जो है शेप आपको देखने को मिल जाएगा। गाइज, ये रिजेक्टेड फ़ोन होते हैं, ये आपको फिर मार्केट में जो है मिल जाते हैं, आप मार्केट में आपको बआसानी आपको किट की सूरत में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको चेक करना होगा कि शेड किस तरह से चेक करें, और मैं आपको बताऊंगा भी कि शेड बढ़ता है नहीं बढ़ता है, पूरा मैं आपको इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको जो मैंने बताया कि सुपर एमोलेड स्क्रीन जो होता है, इसमें शेड के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अच्छा गाइज, सुपर एमोलेड स्क्रीन तो रियलमी में भी आता है, ओप्पो में भी आता है, और इस तरह से वीवो वगैरह में भी आता है, लेकिन गाइज इनमें जो है ना, इनकी जो कंपनी है जैसे वीवो ओप्पो वगैरह जितने भी हैं ब्रांड्स, इस वक्त जितने भी हैं, इसमें कोशिश इनकी ये होती है कि जो स्क्रीन ये लोग जो है ओप्पो वगैरह या वीवो वगैरह की स्क्रीन होती है, इसमें बिल्कुल जैसे चांस नहीं होता कि इसमें शेड वगैरह आ जाए। लेकिन सैमसंग के जो फ़ोन हैं, मैं आपको कैटेगरी बता दूं कि इस फ़ोन में आपको शेड ज़रूर चेक करना होगा। इसका मतलब नहीं है कि शेड जो है हर मोबाइल में होगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको चेक करना होगा शेड को। मैं आपको, जैसे आप मार्केट में भी जाइए, ओएलएक्स वगैरह भी बाय करें, तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कीजिए। तो सबसे पहले आपको शेड जो है सैमसंग के फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा वन प्लस हो गया, इसमें भी आपको शेड ज़रूर देखने को मिल जाएगा, वन प्लस हो गया, सैमसंग हो गया, इसके अलावा नंबर थर्ड पे गूगल पिक्सल हो गया, इसमें भी आपको शेड चेक करना होगा क्योंकि इस फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा शेड आते हैं। और इसके अलावा मोटरोला का फ़ोन हो गया, ये भी वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, ये जो आपको चारों कैटेगरीज बताई ये वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, इसमें आपको आसानी आपको शेड देखने को मिल जाएगा। लेकिन बॉक्स बैक मोबाइल में शेड नहीं होता गाइज, ये आप सबसे पहले आप जहन में रख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप डबल बैक मोबाइल खोलें और उसमें शेड चेक करें कि इसमें शेड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मैंने शुरू में ही कह दिया आपको, जो रिजेक्टेड फ़ोन होते हैं उसी में शेड होते हैं, और वही आपको चेक करना होगा। वो किट की सूरत में आपको मार्केट में भी मिलता है, ओएलएक्स वगैरह से भी आप बाय करें तो आपको किट जो होता है वो आप बाज़ोकात कस्टमर्स बेच रहे होते हैं, बाज़ोकात दुकानदार बेच रहे होते हैं, बाज़ोकात ऐसा होता है कि आम लोग जो होते हैं वो बेच रहे होते हैं ओएलएक्स वगैरह पे। तो गाइज, चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप सिंपली जो है, आप अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो *#0# मिलाएंगे तो आप रिसीवर का ऑप्शन खोलेंगे, तो रिसीवर के ऑप्शन में आपको स्क्रीन पूरी वाइड हो जाएगी, वाइड में आप बाकायदा क्लियर आप देख सकते हैं। आप सैमसंग में कोई भी फ़ोन हो उसमें आप इसी तरह से कोड मिला सकते हैं, *#0# मिलाएंगे तो आपको शेड रिसीवर पे जाएंगे, रिसीवर पे स्क्रीन पूरी वाइड हो जाएगी, तो आप उसमें शेड चेक कर सकते हैं कि जो मैं फ़ोन लेने जा रहा हूँ इसमें शेड तो नहीं है, तो ये चीज़ आप चेक करना होगा। वन प्लस में आप जो है वन प्लस में या गूगल पिक्सल में या मोटरोला में, इसमें कोड का ऑप्शन नहीं होता, आपको मैन्युअली चेक करना होगा। अगर सैमसंग में भी आपका कोड नहीं लगता तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
आपको सिंपल क्रोम ब्राउजर जो है आपको खोलना पड़ेगा। क्रोम ब्राउजर आप खोलेंगे तो पूरी स्क्रीन वाइट हो जाएगी। पूरी स्क्रीन जब वाइट हो जाएगी उसी में आप शेड को भी चेक कर सकते हैं, अगर कहीं भी शेड होगा तो आपको नजर आ जाएगा। गाइस इसके बाद आते हैं कि शेड बढ़ता है कि नहीं। सबसे पहले आप ये समझ लें, अगर आपने एक फ़ोन ले लिया जिसमें पहले से ही शेड है, मतलब आपने वाइट स्क्रीन खोलेंगे तो अगर आप उसको शेड है और आपने पहले से ले लिया तो गाइस ये शेड जो है ना बढ़ता है, लेकिन बढ़ने में टाइम लेता है। ऐसा नहीं अगर आपने कोई शेड वाला फ़ोन लिया और वो एकदम ही इसमें शेड आ जाएगा और बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। शेड बढ़ने में टाइम लगता है, मैक्सिमम भी अराउंड 1 ईयर के आसपास लगता है उसको मजीद बढ़ने में, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल यूज़ हो रहा होता है, हीट हो रहा होता है, तो उसी तरह से ये अपनी हरकत में आता है और शेड जो है बढ़ने लग जाता है। गाइस ये बेसिकली वाइट पेपर होता है, स्क्रीन के अंदर वाइट पेपर होता है, इसी वाइट पेपर का ही सारा कमाल होता है, इसी की वजह से शेड बढ़ता भी है और इसी तरह से मजीद बढ़ता जाता है। तो गाइस आपको मालूमात मिल गई होगी, आपको तो नॉलेज मिल गई होगी कि अच्छा बॉक्स बैक फ़ोनों में नहीं आता। पहले से मैं आपको क्लियर कर दूँ, बॉक्स बैक फ़ोनों में नहीं आता, सिर्फ इन चारों कैटेगरीज जो टॉप की कैटेगरीज मैंने बताए हैं इसमें ज़रूर चेक कीजिएगा शेड को। इसके अलावा जो है ना वीवो में शेड आता है, ना ओप्पो में आता है, हालांकि वो भी सुपर एमोलेड स्क्रीन है लेकिन उनमें शेड नहीं आता, ये बॉक्स बैक आते हैं। ये एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा जो है रुझान है, एशियन कंट्रीज़ में ओप्पो वगैरह वीवो वगैरह लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड में इस तरह से ओप्पो वीवो को लाइक नहीं किया जाता, लेकिन हर किसी का अपनी चॉइस है। लेकिन एशिया में जो है ना ये चीज़ें आपको जैसे ओप्पो वगैरह ये ब्रांड आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने ब्रांड बताया ये वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, लेकिन इसमें आपको ये शेड ज़रूर चेक करना होगा। ये किट के कैटेगरीज में आता है और आपको किट में ही चेक करना होगा, अगर आप मोबाइल मार्केट जाते हैं या अगर आप ओलेक्स पे जाते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया है इसी तरीके को आप फॉलो कीजिएगा, इसी तरीके से आपको जो है आसानी होगी, आपको कोई धोखा भी नहीं देख पाएगा, आप खुद चेक करेंगे। अगर शेड वाला फोन फिर भी आपको अगर कम प्राइस में मिलता है तो आप ज़रूर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने एक माइंड सेट बनाया हुआ है कि फ़ोन लेने की जो 50 से 60 हज़ार की रेंज में आप फ़ोन ले रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि इसमें शेड भी चेक किया जाता है कि नहीं। गाइस अगर आप ले रहे हैं, बाजू का ये होता है कि कस्टमर्स को पता नहीं होता, वो शेड वाला फ़ोन उन रेटों पे लेते हैं जिस रेटों में उनको नया किट वाला फ़ोन चाहिए होता है। लेकिन मैंने जो आपको बता दिया इसमें आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा, अगर शेड होगा तो आप कम रेट में लीजिएगा, ज़्यादा शेड होगा तो वो और कम रेट में मिलेगा। तो ये शेड की कैटेगरी मैंने बता दी, इस तरह से आप जो है शेड को आसानी चेक कर सकते हैं। गाइस पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको न्यू नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। तो अपने दोस्त नकीब शिनवारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।